नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बालकेशव ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर मराठीवादी दल का गठन किया था। उन्हें लोग बाला साहेब ठाकरे और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था। मंगलवार को बाला साहेब की 96वीं जन्म जयंती देश भर में मनाई गई। इंदौर में शिवसेना के प्रदेश प्रभारी सुरेश गुर्जर की अगुवाई में आरएनटी मार्ग सिल्वर सेंचोरा में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इससे पूर्व शिवसेना से जुड़े पदाधिकारियों ने बाला साहेब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाला साहेब की जन्म जयंती पर शस्त्र कला में निपुण कन्याओं और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिव सैनिकों का सम्मान, सशस्त्र कला में निपुण कन्याओं का सम्मान भी किया गया एवं उपहार भेंट किए गए। माननीय बाला साहब ठाकरे हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान हैं और उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जयंती हम बनाते हैं और सभी लोग बनाते हैं, और उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की शिवसेना और मध्य प्रदेश के इस संपर्क कार्यालय में उनका जयंती और उनका जन्म उत्सव हम बना रहे हैं। इसी कड़ी को लेते हुए हमारी मातृशक्ति महू का जो अखाड़ा है, उनकी बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं। आज वो अपने अपना कर्तव्य भी यहाँ पे दिखाएगी। तो माननीय बाला साहब ठाकरे एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है, मातृशक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान, जो कि आज की तारीख में राम जन्मभूमि का जो कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें अगर सबसे बड़ी इच्छा अगर किसी की थी और सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो वो माननीय बाला साहब ठाकरे ने किया था। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने पूछा था कि क्या आपके शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद ढहाई थी, तो उन्होंने सीना ठोक के कहा था कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद ढाई थी। तो माननीय बाला साहब ठाकरे एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसी शक्ति थे, ऐसी ताकत थे, जो भी बोलते थे मुंह पे बोलते थे और साफ सुथरा बोलते थे। अंजाम कुछ भी हो, देश के प्रति अगर कोई वफादार, ईमानदार और सच्चा हिंदू सेवक अगर रहा है तो माननीय बाला साहब ठाकरे रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे की जो जयंती है, इसको हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे कार्यालय पे एक हमारा सुंदरकांड का आयोजन रखा है। और सुंदरकांड महाबली बजरंग बली का सुंदरकांड है, उसको करते हुए एक ऐसी शक्ति हमारे बीच में, जो ये बच्चे आई हैं, इनकी शक्ति और इनके तब ये अभी आपको दिखाएगी, वो देखने काबिल होंगे। और इस कार्यक्रम बड़े धूम से आया है। हमारे बीच में हमें बहन निर्मला हमारी प्रखी सचिव है और हमारे बीच में भूमिका और आशा परमा, चंदा खंडेलवाल जी, कुंडेलवाल, ये सभी हमारे बीच में उपस्थित, और हम लोगों ने इन लोगों को आमंत्रित किया है, आज इस संपर्क कार्यालय में आए हैं। तो मैं को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अभी हमारी निर्मला बहन इन बच्चों जो कला को देख, इनके लिए कुछ उपहार भी लाई हैं, तो उपहार भी लोगों को देंगे। तो बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेश गुर्जर, मध्य प्रदेश प्रभारी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।